हेलो दोस्तों, एक बार फिर से डीकेपी रिपेयर में आप सबका स्वागत है। आज आपको बताना है दोस्तों, ये रेडमी 7 है दोस्तों। आप Y3 भी एक के बोर्ड रहता है दोस्तों, इसी तरह रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें है ना वाटर डैमेज था, कस्टमर का कहना था वाटर पानी में मैं तो गिर गया था, तो ये डेट हो गया दोस्तों। तो पहले तो मतलब कस्टमर बोल रहा था ना चार्ज हो रहा था ना मतलब ऑन हो रहा था। देखिए दोस्तों, अभी भी ऑन तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें अभी चार्ज तो हो रहा है दोस्तों। देखिए हम जैसे चार्ज लगाए हैं तो चार्ज शो कर रहा था, लेकिन कस्टमर के पास चार्ज भी नहीं हो रहा था दोस्तों। तो इसमें कहाँ से दिक्कत हो सकता है दोस्तों आपके पास? देखिए अभी 46 चार्ज है दोस्तों, यानी चार्ज तो हो रहा है लेकिन मतलब ऑन नहीं हो रहा है अभी। तो इसका मतलब ढक्कन में पेस्ट वाला रहता है दोस्तों, तो मैं खोल लिया, लंबा वीडियो नहीं करना था इसलिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिक्कत कहाँ से हो सकता है जबकि जब भी आपके पास इस तरह आए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी पानी पूरा गया है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बगल का बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। देखिए दोस्तों, वाटर डैमेज जब भी आपके पास आए तो पहला काम एक बार चार्ज में लगा के भी देख सकते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। नहीं तो यदि पानी मतलब सामने है, मतलब कस्टमर तुरंत ही लाया है, तो पहला काम आपको बैटरी डिसकनेक्ट करना है दोस्तों, क्योंकि बैटरी जब तक डिसकनेक्ट नहीं कीजिएगा ना तो दिक्कत होगा और ज़्यादा ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो पहला काम बैटरी को निकाल दीजिए, तो इससे नहीं निकालिए, इसका कनेक्टर निकाल दीजिए, तो सेफ्टी रहता है दोस्तों। बोर्ड ज़्यादा फिर ख़राब होने का चांस बहुत कम रहता है दोस्तों। तो चलिए अभी हम इसको निकालते हैं दोस्तों, बोर्ड को। आप देखते हैं यहाँ पर जो इसका जो पावर बटन का रहता है उसमें क्या स्थिति है। तो आप भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इधर तो फ्रेश ही है दोस्तों, इधर तो कहीं कुछ नहीं बुझा रहा है, लगता है यहीं पर कहीं कोई जो डायोड हो तो सकता है, इशू हो सकता है। तो एक बार हम इसको इस तरह में देख लेते हैं दोस्तों, इसका तो काम नहीं है बैटरी का, जो भी करना होगा दोस्तों इधर ही करना होगा, क्योंकि उधर का तो दिक्कत नहीं बुझा रहा है। देखिए यहीं पर दिक्कत हो सकता है, तो एक बार हम इसको साफ करते हैं दोस्तों। कैमरा खोल लीजिएगा दोस्तों, चलिए मैं नहीं खोला हूँ लेकिन आप खोल लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आप लोग तो अपना हम काम कीजिएगा ना, तो कैमरा ज़रूर खोल लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें ये जो कहीं पर ये जो डॉट है ना, कहीं पर इसका पावर बटन तो ज़रूर होगा ही, तो हम लोग को उसको पता करना है कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों, क्योंकि नीचे तो सब फ्रेश है बोर्ड, नीचे का तो दिक्कत नहीं बुझा रहा है। एक बार हम सेट करके देखते हैं इसको। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं होता है क्या। अभी भी नहीं होता है दोस्तों, अभी हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों कौन वाला पावर की है। इस तरह हार्ड लोड में एक में ग्राउंड रख के और आपको चेक करना है, ऑन यदि हो जाएगा तो अभी तक काम तो नहीं कर रहा है दोस्तों, नहीं तो फर्स्ट वाला ही इसका पावर की है दोस्तों जो शुरू में दावे थे। देखिए अभी भी नहीं हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ना जब भी पावर की है तो फर्स्ट वाला ही है दोस्तों। चलिए आपको हम दिखा देते हैं, देखिए ये वाला फर्स्ट वाला ही इसका पावर की है, तो लेकिन इसमें शायद वाटर डैमेज से इसका रजिस्टर तो ख़राब हो गया होगा, इसलिए ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। चलिए हम रजिस्टर का बगल में देख लेते हैं दोस्तों, तो आप भी इस तरह देख लीजिएगा। अभी हम आपको पूरा बताएंगे दोस्तों जम्पर कहाँ से आपको करना है, तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा कस्टमर।
चलिए दोस्तों, कभी कभी कस्टमर भी आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको करना है, लेकिन देखिए दोस्तों इसका ना आपको बताए मतलब कोई दूसरा सेट में, क्योंकि बहुत भाई इसका जानते होंगे दोस्तों कि कौन बोला है। देखिए इसका तो फर्स्ट वाला ही रहता है दोस्तों, लेकिन आपको जब फर्स्ट बार खोलिएगा तो आपको आइडिया नहीं रहेगा, तो आप इस तरह मतलब एक को इस तरह करके चेक कर सकते हैं यदि कंफर्म नहीं है तो। ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो रहता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी कोई कोई को सेट का नहीं रहता है, तो इस तरह आप कर सकते हैं मतलब एक एक डॉट में दाब के ग्राउंड के साथ, तो उस जोन में चालू होगा तो समझ जाइए वो पावर फ्री रहता है दोस्तों। तो इसमें तो फर्स्ट वाला है दोस्तों, लेकिन नहीं हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है दोस्तों। तो देखिए इसका कारण है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ना ये जो एक रजिस्टर है छोटा सा ये वाला दोस्तों, ये वाला ये वीक हो गया है, या तो ये मतलब पानी पड़ने से उसका पॉइंट ख़त्म हो गया। चल तो हम इधर साइड से देखते हैं दोस्तों इसमें चालू होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों आवाज़ किया चालू हुआ, तो हमको बस उसको शॉर्ट करना है दोस्तों, छोटी सी है ये वाली। चलिए आपको हम दिखा देते हैं सामने से, ये वाली छोटी सी है दोस्तों, ये वाली को या तो यहाँ से इस सिरा से यहाँ पर जम्पर कर दीजिए हो जाएगा, या तो इसको रिमूव करके इस दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दीजिए। तो चलिए मैं दोस्तों कर लेता हूँ, उसके बाद आपको हम दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों जोड़ तो लिए, मेरे पास माइक्रो स्क्रू नहीं दोस्तों, तो मैं उसी से काम चला था दोस्तों। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे किए। अभी काम कर रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने किए कैसे, उस जो रजिस्टर रहता है दोस्तों उसको रिमूव किए और शॉर्ट किए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर था दोस्तों, तो इसको शॉर्ट कर दिए। ये अलग पॉइंट है दोस्तों और ये ग्राउंड है, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा मेरा लेधरा गया है मतलब, तो आप फ्रेश कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा थोड़ा सा हड़बड़ी समझ सकते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हम भी नहीं चाहते। तो देखिए पूरा चालू हो गया दोस्तों, अभी पावर बटन भी काम करेगा, यहाँ दबना पड़ता है दोस्तों। देखिए क्या दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, लॉक है दोस्तों कस्टमर का। तो आप इसी तरह वाटर डैमेज वाला फ़ोन रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वही पावर की का सेक्शन, या तो कभी कभी बैटरी भी दिक्कत हो जाता है, कभी कभी यदि ज़्यादा पानी गया तो पावर आईसी भी ख़राब होता है, या सीपीयू भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो बस इसमें तो यहीं पर समस्या था दोस्तों, समाधान हो गया। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, कुछ भी पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो अब इस Redmi 7 और Y3 दोस्तों, Redmi Y3 ये भी इस तरह ही मॉडल भी रहता है, कॉम्बो भी दोनों में की लगता है दोस्तों। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।